नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट में सिर्फ प्रॉफिट होना ही एक अकेला बेनिफिट आपका है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको काफी सारे इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड ड्रॉबैक्स प्रोवाइड करा रही है, जिससे आपका प्रॉफिट जो है ज्यादा हो जाता है। कई बार आपके प्रॉफिट में कई सारा पैसा इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि जो ड्रॉबैक और सब्सिडीज की रेट है वो काफी ज्यादा होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को कैसे सपोर्ट कर रही है और नए एक्सपोर्टर्स के लिए क्या क्या ऐसी स्कीम्स है जहां पे गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, डायरेक्ट आपके करंट अकाउंट में पैसा डाल रही है कि भैया आप एक्सपोर्ट करो, पैसा हमसे ले लो। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है सीधा सीधा जो है आपको ड्रॉबैक दे रहा है, रोड टैप दे रही है, यहां पे आपको आरओएससीटीएल मिल रहा है, टीएमएम मिल रहा है और डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है कि कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, बायर फाइंडिंग कैसा करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी इस यूट्यूब चैनल से मिलेगी। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं और अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे कंप्लीटली बात कर लेते हैं कि कैसे आपको गवर्नमेंट यहां पे बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। तो पहली स्कीम्स आपके ड्रॉबैक है, दूसरी स्कीम आपकी रोड टैप है, तीसरी स्कीम्स आपकी यहाँ पे आरओएससीटीएल है, फिर एक आईएएस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से जो अभी बंद हो गई है, ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, बस वो खत्म हो गया उसका पीरियड भी। फोर्थ यहाँ पे अभी आपका एमएआई बेनिफिट आता है और एक टीएमए बेनिफिट आता है। तो ये सारी स्कीम्स के तहत आपको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज, ड्रॉबैक जो है प्रोवाइड करा रही है। डिफरेंट डिफरेंट एयर फ्रेट पे सब्सिडी दे रही है, कहीं आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पे आपको ड्रॉबैक दे रही है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करा रही है। जब भी कोई नया एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट में आने की सोचता है तो वो देखता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मार्जिन से ही निकलना चाहिए, मतलब मेरा प्रॉफिट डायरेक्टली कि मैं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 20% 30% मार्जिन ऐड कर लूं या 15% ऐड कर लूं। पर यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से लेकर 8% तक भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। आरओएससीटीएल में 8% तक देती है, 5% तक ड्रॉबैक तक की रेट में आपको बेनिफिट मिल जाता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से यहां मिल जाते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आपको करना है कि मुझे गवर्नमेंट से बाकी कितना पैसा यहां गवर्नमेंट से मिल जाएगा और कितना मार्जिन जो है मुझे यहां बायर से लेना है। कई बार हम बहुत ज्यादा ही मार्जिन जो है ऐड कर देते हैं और उससे जो है बायर की कॉस्टिंग पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है और फिर यहाँ पे बायर जो है आपके प्रोडक्ट को लेने से मना कर देता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको अपना मार्जिन भी सेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बेनिफिट जो निकल के आता है आप सब लोगों के लिए, वो आता है यहाँ पे ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक एक ऐसी स्कीम है जो काफी टाइम से चल रही है और रेगुलर बेसिस पे चल रही है, टाइम टेस्टिंग एक तरीके की स्कीम्स है जिसमें रेगुलर बेसिस पे जो है नए नए एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दे रहे हैं। अब वो चाहे ड्रॉबैक की जो रेट रहेगी वो 0.15% से लेकर 5% तक जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको ड्रॉबैक्स यहां पे मिल जाता है। अब ये मिलता कैसे, ये आपके एचएस कोड के ऊपर आपको मिलता है। तो यहां पे आपको पहले अपना एचएस कोड पता होना चाहिए, हार्मोनाइज सिस्टमैटिक कोड जो आपको यहां पे पता रहेगा, आपका एचएस कोड आपको पता रहे, उस एचएस कोड के बिहाफ पे गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। तो कुछ एचएस कोड पे यहां पे ड्रॉबैक नहीं मिलता पर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ड्रॉबैक मिलता है। अब ड्रॉबैक जो है कैश बेनिफिट है जो सीधा सीधा आपके अकाउंट में डाला जाता है। अब ये बेनिफिट मिलता कैसे, देखिए जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना इनवॉइस रेज करेंगे, आपका इनवॉइस शिपिंग बिल फाइल करेगा, कस्टम में जाएगा और वहां पे शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा। जब भी आप इनवॉइस रेज करेंगे तो आपका इनवॉइस आपको कस्टम में देना है, वहां पे एक शिपिंग बिल फाइल होगा और उस शिपिंग बिल में ये डायरेक्टली आपका बेनिफिट लग के आ जाएगा। तो जैसे ही आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है, आपके करंट अकाउंट में पैसा आता है। पहले ये पैसा आपका एक आइसगेट अकाउंट में जाता है, वहां से ये करंट अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये किस वैल्यू पे मिलता है, ये आपको एफओबी इनवॉइस वैल्यू पे मिलता है। जब भी आपका फैक्ट्री से मटेरियल निकला और पोर्ट तक के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, लेट्स सपोज सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के ये करीब 10 लाख रुपीस का आपका इनवॉइस वैल्यू रह रहा है, तो उस पर अगर आपको 1% भी गवर्नमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो
अप्रोक्स 10,000 रुपीज जो है आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये बेनिफिट्स अकेला नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्ट वैल्यू रही, अगर मिनिमम टू मिनिमम 1% भी मिल रहा है तो भी आपको 10,000 रुपए सीधे कैश बेनिफिट मिल रहे हैं। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट 5% कैटेगरी में, तो यहाँ पे 500,000 का अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 25,000 रुपए सीधे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 1,000,000 का एक्सपोर्ट करेंगे तो 50,000 रुपए तो गवर्नमेंट ही आपको दे देगी। अगर ऐसे करते करते आपका जब एक्सपोर्ट बढ़ा और 1 करोड़ तक के भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे निकल के आएगा। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट आपको यहाँ पे बेनिफिट दे देगी। तो ये था पहला बेनिफिट ड्रॉबैक। दूसरा बेनिफिट आता है RODTP। तो RODTP जो है एक तरीके का कैश बेनिफिट नहीं है, ये आपके करंट अकाउंट में नहीं आता, पर ये सभी प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है। तो अगर ये करंट अकाउंट में नहीं आता तो ये जाता कहाँ है? तो ये आपके आइस गेट के अकाउंट में जाता है। देखिए कोई भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उसको कस्टम का एक पोर्टल है आइस गेट, उस पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो जब आपका अकाउंट आइस गेट पे बन जाता है तो वहां पे ये बेनिफिट आपका शो हो जाता है। अब इसको यूज कैसे करना होता है? इसको यूज करने के लिए आप खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से चीजें मंगा सकते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट यहां पे बेनिफिट दे रही है, एक्सपोर्ट में ड्रॉबैक रोटे वगैरह आपको एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है। पर जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो इंपोर्ट के ऊपर क्या होता है कि आपसे उल्टा पैसा लिया जाता है एज अ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपसे पैसा लिया जाता है। तो यह पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि जब भी कोई चीज इंपोर्ट की जा रही है तो उसके अगेंस्ट में यह ड्यूटी एडजस्ट की जा सकती है। तो इसको इसलिए बोलते हैं ड्यूटी फ्री स्क्रिप। ये भी आपको FOB इन्वॉइस वैल्यू के हिसाब से आपको मिल जाता है, मतलब आपके फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक की जो भी कॉस्ट रहेगी उस कॉस्ट के ऊपर आपको RODTP के बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका था सेकंड बेनिफिट। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड बेनिफिट की कि तीसरा ऐसा क्या बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो ये आता है आपका RSCTL जो कि आपको 61, 62, 63 चैप्टर में मैक्सिमम देखने को मिलता है। कपड़ों का जो चैप्टर होता है गारमेंट्स के चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर आपका HS कोड 61 से चालू है, 62 से चालू है तो ये बेनिफिट अप टू 8% तक जाता है। और ये भी आपका सेम एज रोड टेप होता है जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप होती है। तो ये भी आपका कैश बेनिफिट नहीं है पर ये ड्यूटी फ्री स्क्रिप है। इसको आप किसी इंपोर्टर को सेल भी कर सकते हैं इंडिया में, या फिर आप खुद इंपोर्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है और काफी अच्छी रेट्स जो है आपको इसमें देखने को मिलती है। अपटू 8% तक आपको जो है ये बेनिफिट मिलता है। तो ये करीब तीन बेनिफिट मैंने आपको बताया, पहला बेनिफिट ड्रॉबैक, दूसरा बेनिफिट आपका रोड टेप, और तीसरा बेनिफिट आपका RODTL जो सिर्फ कपड़ों में मिलता है। कपड़े में आपको RODTL मिलता है, ड्रॉबैक भी मिलेगा और दूसरा RODTL मिलेगा, उसमें रोड टेप आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ड्यूटी फ्री स्क्रिप है, दोनों में से एक चीज मिलती है। तो रोड टेप तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पे, बस कपड़े पे नहीं है। तो कपड़े के जो 61, 62, 63 चैप्टर आएंगे उसमें RODTL के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा बेनिफिट था। फोर्थ बेनिफिट में आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स आती है, इसमें 3 से 4% के ऊपर MSME में रजिस्टर्ड कंपनीज को लोन वगैरह जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये स्कीम्स अभी गवर्नमेंट अब एक्सटेंड करेगी तो उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। आप MSME के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी ये ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए बढ़ाई गई थी तो वो अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी आगे इसका जो भी रहेगा वो हम आगे आपको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट आपका आता है यहाँ पे MAI बेनिफिट, मार्केट एसेस इनिशिएटिव स्कीम। इसमें गवर्नमेंट के साथ आप जाएंगे फॉरेन कंट्री में, आपका जो एयर फ्रेट लगेगा या प्रमोशन करने का जो चार्ज लगता है उस पे एयर फ्रेट पे आपको जो है सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट उसमें प्रोवाइड कराती है। क्योंकि देखिए आप EPC को ज्वाइन करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कमोडिटी बोर्ड है तो उसको आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करके आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं। फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाते हैं तो वहां पर ट्रेड फेयर में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलता है क्योंकि ये आपको जो EPC है वो आपको लेके जाएगी। यहाँ पे पैसा आपका ही लगेगा, आने का जाने का जो भी खर्चा रहेगा, वहां रुकने का जो भी रहेगा वो आपको पैसा देना है, स्टॉल लगाने का पैसा देना है, पर वो सब्सिडाइज पैसा रहेगा। और उसमें भी आपको जो एयर फ्रेट लगेगा आपका, जब आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो बाय एयर जाएंगे तो जो एयर फ्रेट लगेगा उस पर सीधा सीधा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा देगी। वो 70,000, 80,000, 90,000 रुपए, मतलब 1-1.5 लाख रुपए जो भी फ्रेट लगा उसके हिसाब से आपका एयर फ्रेट सब्सिडी आपको मिलता है। पर EPC की मेंबरशिप लेना उसमें जरूरी है और EPC के माध्यम से किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो EPC फिर आपको इसमें MAI बेनिफिट लेने में मदद करती है। ऐसे आपके TMA बेनिफिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जो है असिस्टेंस स्कीम रहती है। तो ये TMA बेनिफिट भी जो है कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको मिलते हैं, जैसे मोरिंगा पे, टोबेको पे, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है और उन प्रोडक्ट पे आपको पर कंटेनर जो है ये बेनिफिट मिलते हैं और ये फ्रेट पे मिलते हैं। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो फ्रेट कॉस्ट रहता है उसके ऊपर जो है TMA बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है और प्रमोशन की कॉस्ट के ऊपर भी आपको ये मिल जाता है। तो इस तरीके से 4-5 बेनिफिट है जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल से भी अप्लाई किए जा सकते हैं। और ड्रॉबैक रोड टेप के लिए तो आपको बस अपना HS कोड इन्वर्स
नंबर से मेंशन करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। तो आप अभी भी एक्सपोर्ट में आने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बस एक्सपोर्ट में आ जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें सिखाएगा कौन, बताएगा कौन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कौन देगा, सर स्टेप बाय स्टेप क्या आप हमें सिखाओगे, तो जी हाँ बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे। हम लेके आए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं कंप्लीटली आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट कैसे करना है और कैसे आपके लोकल प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे और डबल मुनाफा जो है लोकल मार्केट से निकालेंगे। तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बाय फाइंड किया जाएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप हमें फॉलो कर लें सोशल मीडिया पे, जिस पे आपको डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो है अपडेटेड नॉलेज मिलती रहती है। आप हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.connectingindiaeximsolution.co.in पे विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।